चेंज कर देता आई थिंक सर वो पहले रिकॉर्डिंग हो रही थी, अभी आपने उसको दोबारा से कंटिन्यू कर दिया। हूँ। जी मैंने वो पार्ट बनाया है वो ना, जैसे मतलब कि आपने वो पहले अलग चीज है तो ये अब अलग चीज है। जी, ठीक हो जी फिर इस तरह से लेंथी वीडियो हो जाएगी। अच्छा ये थोड़ी सी लंबी चौड़ी बात में हम चले जाएंगे तो थोड़ा सा मैं और शॉर्ट कर देता हूँ। सर इसमें अब जिस तरह हम लोग एम्ब्रॉयडरी में है, हम लोग पहले फैब्रिक सेलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद थ्रेड सेलेक्शन करते हैं कि 4 कलर का डिज़ाइन है, 5 कलर का डिज़ाइन है। तो सर इस तरह से इसमें भी है कि हम पहले बेस सेलेक्ट कर लें और उसके बाद कलर सेलेक्शन कर लें, जी, इसी तरह से ही है। इसी तरह से ही होता है जी सर। बस ये है कि पेंटोन कलर्स चेंज है, उसके कैंडल के या फिया के कलर्स होते हैं, इसमें पेंटोन्स हैं। देखें बात सुने, अब जब हमने नेक्स्ट मंथ में हमने वॉल्यूम स्टार्ट करना है, इस मंथ में हमने छोटी छोटी असाइनमेंट को क्लियर करना है, ठीक है। जब हम वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे तो हर बंदा जो 12 12 हम डिजाइन सेंड करते हैं, मतलब कि एक वॉल्यूम के 12 डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो 12 के 12 डिजाइन में बिल्कुल भी नहीं खाया। 12 कलर होंगे, ठीक है। कोई भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। कल अगर सैटरडे सैटरडे को मेरा एक वॉल्यूम कंप्लीट होगा जो कि मैंने ऑफिस में देना है, तो वो कंप्लीट हो गया तो मैंने उनके जो प्रोफेशनली ग्रुप है ऑफिस का उसमें सेंड करूंगा पीडीएफ, तो साथ ही मैं इस ग्रुप में भी कर दूंगा। तो आपने देखना है कि सबके सब डिजाइन 12 कलर के होंगे और सबके सब अलग होंगे, तो उससे आपने स्टडी करना है कि कैसे कलर लगाने हैं और उसके ऊपर वाली वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है। तो 12 कलर इस मतलब सर बेस के 12 कलर कहना चाह रहे हैं। जी, बेस के 12 कलर, ठीक सही है। अप डाउन जैसा कि ये कलर व्हील है ना, तो यहाँ पे आप रेड ले रहे हैं, फिर आपने ऑरेंज लेंगे, फिर येलो की तरफ आएंगे, फिर इसी तरह से ग्रीन, फिर सियान, ब्लू, मजेंटा, रेड। तो इसी तरह से आपने इस पूरी कलर व्हील के साथ कलर निकालने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कल आपको मैंने डिटेल से बताया कि उसमें अगर कोई आप ब्राइट कलर डाल रहे हो तो ह्यू हो जाएगा, अगर व्हाइट डाल रहे हो तो टिंट हो जाएगा, टोन हो जाएगा, फिर शेड हो जाएगा। तो ये कल आपने स्टडी किया है। इसमें से किसी ने कुछ क्वेश्चन करना है कोई? सर नहीं सर, ऐसा सच नहीं, बस इसकी जी सर, मुझे जी एक लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मुझे ना एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा था। सर अभी रिसेंटली ना मेरे साथ एक कस्टमर ने जो है वो अपने डिजाइन शेयर किए हैं टिफ फाइल में, उसने डिजाइन दे दिए, तो अब जो उसकी कलर मैचिंग है वो जो मिल पे जहाँ पे हम उसको प्रिंट करवाएंगे वो लोग उसकी कलर मैचिंग करेंगे ना, हम मतलब कि कलर एज ए मैचिंग। डिजाइनर, मतलब कि सर उसने सिंपल PSD में या फिर टिफ फाइल में अपने डिजाइन जो है वो मुझे हार्डवेयर में दे दिए हैं, हार्ड डिवाइस में USB में दे दिए, वो मैंने मिल पे भिजवा दिए। तो अब जो उसके डिजाइन थे, जो अगर उसका वो 2 पीस है या 3 पीस है, तो जो उसकी कलर मैचिंग है वो लास्ट टाइम हम लोग शेयर कर रहे थे कि वो पेंटोन नंबर से जो है वो उनका जो कलर मैचिंग होती है वो उसको वहीं से कलर मैच करके तो खुद उसका डिजाइन डालेंगे। ये चीज जी मुझे वो ना थोड़ी फिर सी सर अपने उनकी हिसाब क्लियर से, नहीं जी हुई थी। वो फिर जी, अपने हिसाब से कलर मैचिंग करवाएंगे ना। अगर उनके पास अपनी पेंटून है तो वो फिर उस हिसाब से उसकी जो आपकी एडिटेबल फाइल होगी उस हिसाब से वो चेंज कर लेंगे फुल। मतलब कि सर जो डिजाइनर है उसके लिए उसने, क्योंकि वो मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई ऐसी फाइल दी थी जिसके अंदर उसके कलर्स मेंशन हो कि उसने कौन कौन से कलर जो है वो अपने डिजाइन में यूज किए हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनकी होती है कि वो कलर मैचिंग करके तो उसके स्ट्राइक ऑफ निकाल के देने हैं उन्होंने। जी वो तो फिर उन्होंने ही करना है। जी ठीक हो गया सर। अच्छा जी, आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलें। जी सर,
ठीक है, आपका ही पॉपर रैप का भी हो गया है और बॉर्डर कटिंग पॉइंट का भी हो गया है, तो फ्लावर के बाद में जाते हैं, इस पे भी बाद में, और कलर मैचिंग का हो गया। ठीक है, अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप लोगों ने टेक्सटाइल बॉर्डर डिजाइन करने हैं। ठीक है, टेक्सटाइल बॉर्डर डिजाइन क्या चीज है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं डिटेल्स में। जैसा कि आपके आपको नजर आ रहा है कि ये थ्री पीस का एक डिजाइन है, एक ये यहाँ पे दुपट्टा है, ये ऊपर फ्रंट है, नीचे बैक है, और फिर नीचे स्लीव है। इसको क्या कहते हैं, इतने सी जगह को कहते हैं कि लेआउट। ठीक है, PNG भी कह देते हैं कि डिजाइन की PNG दो। ठीक है, तो इसमें से आप ये नीचे देख रहे हैं कि ये जो 4 इंच का या 5 इंच का आप बॉर्डर बना रहे हो, इसको हम बॉर्डर्स कहते हैं, और ये साइड की जो लाइंस जा रही हैं इनको कहते हैं पैनल। ठीक है, और जो शर्ट के जहाँ बॉर्डर से ऊपर की जो वर्किंग होती है इसको कहते हैं दामन। ठीक हो गया जी, ये दामन है, ये पैनल है, ये बॉर्डर है, ये नीचे स्लीव का बॉर्डर ही कंप्लीट आएगा, और ये फिर दुपट्टा है। ठीक है, तो हमने जो चीज क्रिएट करनी है वो है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर्स मैं क्यों कह रहा हूँ, बॉर्डर्स के लिए मैं आपको इस तरफ लेके जा रहा हूँ कि आप जब इस कोर्स से फ्री हो जाएंगे तो तब इंशाल्लाह आप अपनी क्रिएशन खुद कर पाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं डिजाइन अब कैसे बनाऊं या मैं खुद की क्रिएशन क्या दूं। ठीक है, बेसिकली डिजाइनर को माना ही तब जाता है जब वो अपनी चीज प्रोवाइड करे। ठीक है, ऐसे ही है ना, मतलब कि आपने अपनी चीज एक डिजाइन करना, एक तो वो चीज हो गई कि रेफरेंस ले लिया या रेप्लिका डिजाइन ले लिया। अगर मैं कहूँ कि इसको सेम बना दो तो कोई भी डिजाइनर इस चीज को बना के दे सकता है, लेकिन जब आप अपनी अपना डिजाइन दोगे तो मजा तब है। ठीक है, तो अब मैं आपको क्रिएशन की तरफ लेके जाने लगा हूँ। जो इससे पहले वाली चीजें हो चुकी हैं उसका मतलब है कि आपका हाथ सेट करना था, अब मैंने आपको क्रिएशन की तरफ लेके जाना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ को एक वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, ये 5 मंथ तक आपके कंप्लीट वॉल्यूम वो होंगे जो मार्केट में चल रहे हैं, जो ट्रेंडी हो रहे हैं। मतलब कि एक किस्म का तो वॉल्यूम होता नहीं है, जैसा कि ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में अगर आ गया, अगर मुगल में आ गया, और बोल्ड डिजाइन हो गए, ऑल ओवर के डिजाइन हो गए, तो ये सब हम बारी बारी करेंगे। मैंने अपने ऑफिस से PDF ली है, कुछ ज्यादा ले ली है, तो उनकी मैंने तरतीब भी लगा ली है, तो वो फिर वन बाय वन आपको वॉल्यूम इंशाल्लाह करवाऊंगा। ठीक है, ओके। अब जो अच्छा सर, आपका जो टास्क है वो आपने बॉर्डर क्रिएट करने हैं। ठीक है जी, जी पूछें। नहीं सर, आप अपनी बात कंप्लीट करें, मुझे आप ही की बात को आगे बढ़ाना है फिर। जी पूछे, मैंने फिर ये असाइनमेंट स्टार्ट करने लगा सर, हूँ। अच्छा सर, मुझे बस ये बोलना था, जिस तरह सर हम लोग किसी भी जगह बैठे हैं तो ऊपर कभी सीनियर टेक्सटाइल डिजाइनर होता है, या अभी हम लोग बेसिकली ट्रेसर भी कहलाते हैं या क्रिएशन करने वाले भी कहलाते हैं, तो बात मेरी ये थी कि जो डिज़ाइनर्स होती हैं या डिज़ाइनर मेल या फीमेल जो भी हैं, वो जब आपको काम देती हैं या समझाती हैं, वो हमारे एम्ब्रॉयडरी में तो अक्सर स्वेचेज आ जाते हैं या इस पेपर स्केच आ जाते हैं, तो सर इसमें जो है हमें कुछ स्वेच छोटा सा बना के लुक देते होंगे, कुछ फ्लावर और कुछ इस तरह से, कि आपको इस तरह से मैनेज करते हुए पूरे डिज़ाइन को क्रिएट करना है, ये तो छोटी सी चीज़ें सर सिर्फ बना के दे देती है ना सर, ऐसा ही जी है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बना के दे सकते हैं वो जी। ये लोग मतलब पूरा डिजाइन तो खुद से नहीं बनाती ना सर, डिजाइनर्स बेसिकली, ये सिर्फ नहीं, आपको खुद खुद छोटे से, छोटे खुद से नहीं, खुद से खुद। बनाना होता है, मैं खुद अपने डिजाइन क्रिएट करता हूँ। सही सही सही, नहीं हाँ सर जी, मेरे पास मतलब असल। के जो आपका HOD होगा, जो आपसे काम ले रहा होगा, उसने जस्ट आपको थीम बतानी है कि सही इस थीम पे आपने काम करना है। ठीक है, तो जो चीज जिस चीज पे मैं अभी लेके जा रहा हूं बॉर्डर क्रिएट पे, ये चीज आपने एक-एक चीजें जोड़कर फिर बॉर्डर क्रिएट करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि
कि आपका माइंड क्रिएटिविटी में जाएगा, मतलब कि खुद क्रिएशन करने में जाएगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट कम से कम आपके ज्यादा से ज्यादा आप 10 करके लाना, 10 बॉर्डर क्रिएट करना एक बंदे ने। ठीक है, थोड़ा सा मैं अब सख्ती करूंगा, क्योंकि आप लास्ट में ये ना कह सको कि हमें काम नहीं आता, तो इसलिए मैं अभी से सख्ती स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, बॉर्डर आपने यूं क्रिएट करने हैं कि आपने कोई एक मोटिफ चूज करना है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है। ये जो डिटेल्स बॉर्डर है, ये डिटेल बॉर्डर है, ये डिटेल बॉर्डर है। अगर आपको इस पिक्चर से आइडिया नहीं हो रहा तो आपने सिंपल जाना है शटर स्टॉक पे। शटर स्टॉक पे हम सिंपल इमेज में जाते हैं, ठीक है, जहां पे आपने लिखना है टेक्सटाइल बॉर्डर। ठीक है, शटर स्टॉक पे टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा काम पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि इनके बॉर्डर होंगे, मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ तब तक ये आ जाएगा। हम क्लास में देखते हैं टेक्सटाइल बॉर्डर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ बॉर्डर्स सेव किए हुए हैं, अगर ये अब लोडिंग स्लो है चलें। जहां पे हम देख लेते हैं, इस तरह से आपने बॉर्डर क्रिएट करने, ये सब के सब 4 से 5 इंच तक है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के सामने बनाता भी हूँ। आप लोगों को सबसे पहले कलर मैचिंग का इसलिए बताया कि कोई भी ऑपोजिट चीज अगर लेनी पड़ गई तो आप बॉर्डर के साथ सेम कर लें। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब बनाना कैसे है? बनाना यूं है कि कोई भी चीज आप ले सकते हैं, जैसा कि इसमें काफी ज्यादा डिटेल्स है। ठीक है, देख रहे हैं काफी पेजले भी है और ये वो मोटिव है। ठीक है, तो इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे आल टैब बटन प्रेस करना है और यहाँ पे। ठीक है, ठीक जैसा कि हम इसमें अगर ये चीज भी ले सकते हैं और इसमें डिटेल्ड मोटिव आपने उठा लेने हैं। ठीक है, और उसके आपने बॉर्डर अलग से क्रिएट करना है। ठीक है जी, यहाँ से अगर आपने ये पिक्चर ली है तो इसको आपने कैसे यहाँ पे बनाना है, कंट्रोल सी, यहाँ पे फेस किया, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे आपने इसकी जो चीजें हैं वो आपने बाहर निकाल लेनी है। ठीक है, इससे पहले जो स्टूडेंट को ये रिकॉर्डिंग दे चुका हूँ जिसमें बॉर्डर कटिंग की हुई है, बनाए हुए हैं, क्रिएशन की है, तो उस वो लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन एक आपके सामने भी हो जाएगा। ठीक है, आपने यूं करना है कि इसके छोटे छोटे पार्ट आपने अलग कर लेने हैं, जैसा कि ये कंट्रोल जे करके आपने साइड पे कर लिया। ठीक है, इसी तरह से यहां से और चीज हम लेंगे।
कंट्रोल जे, इसको सिलेक्शन ली फिर कंट्रोल जे किया, ठीक है। इस तरह से अब हम इसका भी निकाल लेते हैं, कंट्रोल जे, ठीक है जी। अब इसी तरह से हम ये मोटिफ भी निकाल लेते हैं, शायद जरूरत पड़ जाए। सबसे पहले आपने मोटिफ बाहर निकालना है, ठीक है। कंट्रोल जे, आप इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आपने यूं करना है कि ये सेंटर लाइन लगा देनी है, ठीक है। सेंटर लाइन लगाते ही आपने क्या करना है कि इसके सेंटर में बॉर्डर स्टार्ट करना है इस तरफ। आपने ये ख्याल जरूर रखना है कि यहाँ से मिड से कंटिन्यू जरूर सही हो, अगर नहीं सही हो रहा तो उसे जूम करके देखें। ये देखें, आप ऐसे करके कंट्रोल ई कर दें और इसे इस तरह से साथ लगा लें, ठीक है, अगर सही है तो, ठीक है। इसी तरह से आपने कंट्रोल ए करके आर ई ए एच करेंगे तो ये इस तरह से फ्लिप हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम बनाएंगे, नेक्स्ट को हम क्या करेंगे कि इसका यूं रखेंगे और इसको भी हम इस तरह से, अगर तो ये इस तरह से सही लग रहा है तो ठीक है तो करना है, अगर नहीं सही लग रहा तो आपने इसकी कटिंग करनी, ठीक है। जैसे कि W से आपने ये कटिंग की और लेफ्ट ई बटन के साथ शिफ्ट की गोल के साथ आपने इसे डिलीट कर देना है। इस तरह से आपका इसका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसको डिलीट कर देना, आप सब चुप हो गए हैं, लगता है कुछ ज्यादा हैवी काम दे रहा हूं जी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, क्या क्रिएशन का हुआ? अपना ही सुन लो, मजा सर, तभी देख ही रहे हैं। अच्छा सुन हो गए, मैंने क्या पता क्या हो, ये डिलीट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से ये इधर से भी बैकग्राउंड आप डिलीट करेंगे, ठीक है, और एक तरफ से आपने इसको उड़ा देना है। अच्छा सर, ये 2D इमेज पे काम कर रहे हैं ना हम लोग सर? ये 3D है लेकिन आप डिजिटल में हम कुछ नहीं देखेंगे, इस तरह से मर्ज करते जाएं और इस तरह से डिलीट करें। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि ये मैंने एक चीज बना ली है ना, मतलब कि प्रॉपर ये आपने बैकग्राउंड सही से रिमूव करना है, ठीक है। कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया और इसको जब आपने यहाँ पे लगाना है ना, कंट्रोल टी किया, इसको शिफ्ट के साथ आगे लेके जाना है, ठीक है। अब क्या करना है कि कंट्रोल इधर सिलेक्शन ले लेनी है, ये देखें सिलेक्शन हो गई है, कंट्रोल शिफ्ट आर टी टी बटन प्रेस करते जाएंगे तो ये आगे को कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये देखें सिलेक्शन लेके किया था तो कंट्रोल शिफ्ट एक, ऑल्ट टी टी हाँ जी, टी टी करना है, ठीक है। तो कंट्रोल ये शिफ्ट अब ऑल्ट एक टी चीज है, ठीक है, एक चीज है, आप इसको इसके साथ मर्ज किया तो ये